हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मुकुल। आज मैं एक और नई वीडियो लेकर आया हूं और इस वीडियो में आपको बताऊं कि सितंबर के महीने में 10 सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी कौन सी है। वैसे तो लॉकडाउन के कारण, कोरोना के कारण काफ़ी देश में महामारी हुई थी, लेकिन अब लॉकडाउन और कोरोना कम होने के कारण अब सेल्स फिगर गाड़ी भी पहले की तरह ज़्यादा बिकने लगी है। अब चलिए जानते हैं कि टॉप 10 मोस्ट सेलिंग गाड़ी कौन सी है। तो चैनल पर आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको हर वीडियो की इन्फॉर्मेशन जल्दी मिले। वहीं अगर नंबर 10 की बात करें तो नंबर 10 पाते हैं किया की सोनेट, और काफ़ी ऐसे कम ही ब्रांड है जो इतने कम समय में टॉप 10 लिस्ट में अपनी गाड़ी को शामिल कर सकती है। तो चलिए इसके सेल्स फिगर की बात करते हैं। तो अब सितंबर के महीने में ये 9,266 यूनिट सेल हुई। वहीं अगर हम इसकी प्राइसिंग की बात करें तो प्राइसिंग आती है 6.71 लाख से लेकर 12.99 लाख की ये प्राइसिंग करती है। वहीं अगर हम इसके इंजन ऑप्शन की बात करते हैं, 3 इंजन ऑप्शन मिलती है। पहला है 1 लीटर पेट्रोल, और दूसरा 1.2 लीटर पेट्रोल, और तीसरा 1.5 लीटर डीजल इंजन मिलते हैं। वहीं अगर हम इसके ट्रांसमिशन की बात करते हैं, इसमें आपको मैनुअल और एक IMT ट्रांसमिशन अवेलेबल मिलता है। अगर नंबर 9 की बात करें तो नंबर 9 पर आती है हिंडे की इलाइट i20, और इस गाड़ी का पुराना जनरेशन इतना सेल्स हो रहा था, अब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि न्यू जनरेशन आने के बाद क्या हो सकता है। तो चलिए इसकी सेल्स फिगर की बात करते हैं। तो सितंबर के महीने में यह तकरीबन 9,852 यूनिट सेल हुई। वहीं अगर हम इसकी प्राइसिंग की बात करते हैं, एक शोरूम दिल्ली के हिसाब से ये 6.49 लाख से लेकर 8.13 लाख की ये प्राइसिंग करती है। वहीं अगर हम इंजन ऑप्शन की बात करते हैं, इसमें आप एक ही इंजन ऑप्शन मिलता है जो है 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है, और इसमें सिर्फ आपको मैनुअल ही इंजन मिलता है, ट्रांसमिशन मिलता है। अगर नंबर 8 की बात करें तो नंबर 8 पर आती है मारुति सुजुकी की अर्टिका। वहीं अगर इसकी सेल्स फिगर की बात करें तो सितंबर के महीने में यह 9,982 यूनिट सेल्स हुई है। अगर हम इसकी प्राइसिंग की बात करें तो एक सौ दिल्ली के हिसाब से यह 7.59 लाख से लेकर 10.13 लाख की यह प्राइसिंग करती है। वहीं अगर हम इसके इंजन ऑप्शन की बात करें, इसमें 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन आता है, इसमें आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन की फैसिलिटी मिलती है। चलिए अब जानते हैं नंबर 7 पर कौन सी गाड़ी है। अगर नंबर 7 की बात करें तो नंबर 7 पर आती है हिंडे की ग्रेड i10 नियोस। अगर हम इसके सेल्स फिगर की बात करें तो सितंबर के महीने में तकरीबन ये 10,373 यूनिट सेल हुई। वहीं अगर हम इसकी प्राइसिंग की बात करते हैं, एक शोरूम दिल्ली के हिसाब से ये 5.06 लाख से लेकर 8.29 लाख की ये प्राइसिंग करती है। और अगर इंजन ऑप्शन की बात करते हैं, इसमें आपको 1.2 लीटर डीजल इंजन मिलती है और 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन मिलती है, और इसमें आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन की फैसिलिटी अवेलेबल मिलती है। तो चलिए अब जानते हैं कि नंबर 6 पर कौन सी गाड़ी आती है। वहीं अगर नंबर 6 की बात करते हैं, नंबर 6 पर आती है हिंडे की एक और गाड़ी जो है हिंडे करेटा। अगर हम इसकी सेल्स फिगर की बात करें तो ये सितंबर के महीने में तकरीबन 12,325 यूनिट सेल्स हुई। वहीं अगर इसके हम प्राइसिंग की बात करते हैं, एक शोरूम दिल्ली के हिसाब से यह 9.99 लाख से लेकर 17.20 लाख की ये प्राइसिंग करती है। वहीं अगर हम इसके ट्रांसमिशन की बात करें तो ये आपको 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन और 1.5 लीटर डीजल इंजन मिलती है, और ट्रांसमिशन की बात करते हैं, इसमें आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन अवेलेबल मिलते हैं। चलिए जानते हैं अब नंबर 5 पर गाड़ी कौन सी आती है। अगर नंबर 5 की बात करें तो नंबर 5 पर आती है मारुति सुजुकी की स्विफ्ट डिजायर। अगर हम इसकी सेल्स फिगर की बात करें तो सितंबर के महीने में तकरीबन ये 13,988 यूनिट सेल्स हुई है। वहीं अगर हम इसकी प्राइसिंग की बात करें तो एक शोरूम दिल्ली के हिसाब से ये 5.89 लाख से लेकर 8.80 लाख की ये प्राइसिंग करती है। वहीं अगर हम इसके ट्रांसमिशन की बात करते हैं, इसे आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन मिलती है, और इंजन ऑप्शन की बात करें तो इसमें आपको 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन मिलती है, और जैसे कि मैंने बताया इसमें मैनुअल ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन मिलते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि नंबर 4 पर कौन सी गाड़ी। अगर नंबर 4 की बात करते हैं, नंबर 4 पर आती है मारुति सुजुकी की वेगनार। अगर हम इसकी सेल्स फिगर की बात करें तो ये सितंबर के महीने में तकरीबन 17,581 यूनिट सेल्स हुई है। वहीं अगर हम इसकी प्राइसिंग की बात करें तो एक शोरूम दिल्ली के हिसाब से ये 4.45 लाख से लेकर 5.94 लाख की ये प्राइसिंग करती है। और अगर हम इसके इंजन ऑप्शन और ट्रांसमिशन की बात करें तो इसमें आपको 1.0 लीटर का इंजन मिलता है जो आपको पेट्रोल इंजन मिलती है, और 1.2 लीटर इंजन दोनों आपको पेट्रोल इंजन मिलती है। और अगर ट्रांसमिशन की बात करें तो इसमें आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन अवेलेबल है। चलिए जानते हैं कि नंबर 3 पर कौन सी गाड़ी। अगर नंबर 3 की बात करें तो नंबर 3 पर आती है मारुति सुजुकी की अल्टो, जो आमतौर पर हमेशा टॉप 10 के लिस्ट में नंबर 1 पर रहते हैं, लेकिन इस बार नंबर 3 पर आ गई है। तो चलिए जानते हैं कितने फिगर में ये सेल्स हुई है। अगर हम सेल्स फिगर की बात करें तो सितंबर के महीने में तकरीबन ये
18,246 यूनिट सेल्स हुई है। वहीं अगर हम इसकी इंजन ऑप्शन की बात कर रहे थे, इसमें आपको 800 सीसी का इंजन मिलता है और इसमें आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों इंजन ऑप्शन मिलता है और प्लस इसमें आपको सीएनजी भी मिलती है। अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो एक शोरूम दिल्ली के हिसाब से ये 2.94 लाख से लेके 4.36 लाख की ये प्राइसिंग करती है। तो चलिए अब जानते हैं कि नंबर दो पर कौन सी गाड़ी आती है। वहीं अगर नंबर दो की हम बात करते हैं तो नंबर दो पर आती है मारुति सुजुकी की बेलेनो। अगर हम इसकी सेल्स फिगर की बात करें तो सितंबर के महीने में तकरीबन ये 19,433 यूनिट सेल्स हुई है। वहीं अगर इसकी प्राइसिंग की बात करते हैं एक शोरूम दिल्ली के हिसाब से 5.63 लाख से लेके 8.96 लाख की ये प्राइसिंग करती है। और अगर इसके इंजन ऑप्शन ट्रांसमिशन की बात करते हैं, इसमें आपको 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन मिलती है और इसमें आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन अवेलेबल मिलती है। तो चलिए जानते हैं कि नंबर वन पर कौन सी गाड़ी आती है। और नंबर वन पर गाड़ी आने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा, वो ये कि चलिए जानते हैं कि नंबर वन पर कौन सी गाड़ी आती है। और नंबर वन पर आती है मारुति सुजुकी की स्विफ्ट। अगर हम उसकी सेल्स फिगर की बात करें तो यह सितंबर के महीने में तकरीबन 22,643 यूनिट सेल्स हुई है। वहीं अगर इसकी प्राइसिंग की बात करें तो एक शोरूम दिल्ली के हिसाब से यह 5.99 लाख से लेकर 8.20 लाख की प्राइसिंग करती है। और इंजन ऑप्शन की बात करें तो इसमें 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन आती है और अगर ट्रांसमिशन की बात करें इसमें आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आती है। और मैं एक बात कहना यह चाहता हूँ कि टॉप 10 लिस्ट में टाटा नेक्सॉन जो इतनी सेफेस्ट कार है, ग्लोबल एनकैप में 5 रेटिंग आई है, वो टॉप 10 लिस्ट में नहीं आती है। तो कहीं ना कहीं ये बात छुपती है कि एक सेफेस्ट गाड़ी नहीं है टॉप 10 लिस्ट में, और ये मारुति सुजुकी की स्विफ्ट है जो शायद इनके ग्लोबल टेस्ट में 2 सेफ्टी रेटिंग लाई है। तो इस हिसाब से सोच सकते हैं कि क्या स्थिति है। सिर्फ बायर लोग एक माइलेज और को फ्रेंडली इंजन प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो चलिए, चैनल पर नया तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें। आई हो